गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सागर नगर ऑफिशियल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं फिर से। तो चलो, सुबह का दिन चालू हो चुका है और मैं भी काम पे के लिए निकल चुका हूं। तो चलो, जितना जल्दी हो सके, फटाफट हो सके, चलो निकलता हूं और आप सब सब भी शेयर करता हूं कहां पे जाता हूं। चलो, मैं बस स्टैंड पर आ चुका हूं कहीं पर जाने के लिए और अभी भी बस नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप भी देखो कितना है। कुछ दिन पहले चलो बारिश हो रहा था, लेकिन जैसे बारिश बंद हो गया फिर से गर्मी चालू हो गया। बहुत ज़्यादा धूप भी है और गर्मी भी है। जैसे बात होता है मैं फटाफट बैठता हूँ और दोस्तों, काफ़ी टाइम खड़े होने के बाद मेरा बस आ चुका है। चलो मैं आप सबको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा बस आ चुका है। चलो अभी बस में बैठता हूँ, फिर आप सबसे ज़रूर मिलता हूँ। लो दोस्तों, आ चुका है। दोस्तों मैं जहाँ पे जा रहा था वहाँ पे बस स्टॉप पे बस रुका, तो मैं चलो ये बात भी आप सबके साथ शेयर कर लूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे मैं अंदर से भी दिखा देता हूँ। देखिए बस स्टॉप पे बस खड़ा था, तो मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत शूट कर लेता हूँ। देखिए हमारा ये बस निकल रहा है बस स्टॉप से। ज़रूर बताना कि आप लोग को ये ब्लॉग देखिए कैसा लग रहा है। यहाँ पे ये जो रोड देख रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, पर इस टाइम जब ट्रैफिक ज़्यादा नहीं था फिर भी मैं चलो दोस्तों और एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये जो सामने जो घर मकान दिखाई घर दिखाई दे ना, यहाँ पे ये थिएटर हॉल है। हम लोग यहाँ पे थिएटर देखने के लिए आते हैं, जितनी बार कुछ अच्छा पिक्चर लगे तो हम लोग आते हैं। दोस्तों देखिए रास्ते पर जाते आते मुझे ये दिखाई दिया कि एक जगह पे शादी चल रहा, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर कर लूँ। ये मंडप भी अच्छा बना था। देखिए रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा था कि कितना दूर है, सोचिए आप लोग, बहुत ज़्यादा दूर है। तो गाड़ी ऐसे ऐसे लोग बस में बैठे तो जा ही रहा है और जा ही रहा है। दोस्तों फाइनली मैं उतर चुका हूँ बस से और चलो जो काम के लिए निकला हूँ चलो निकलता हूँ, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा था और दूर भी था। तो चलो मैंने जितना हो सका मुझे मैंने उतना वीडियो किया, क्योंकि ऐसे बस में बहुत ज़्यादा ऐसे भीड़ भी था और रास्ते पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, इसके लिए ज़्यादा टाइम भी लग चुका है। तो जितना हो सका मैं आपके साथ चलो बताने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो तो बना लिया, पर से ज़्यादा नहीं दिखा पाया, पर जितना हो सका मेरे से मैं उतना गया। दोस्तों मैं जहाँ पे आऊँ वहाँ पे भी गर्मी कुछ ज़्यादा ही है और बहुत ज़्यादा धूप भी है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं जहाँ पे यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है, ज़्यादा काम नहीं है। जितना जल्दी काम होता है उतना जल्दी काम कर लेता हूँ, उसके बाद निकल जाऊँगा। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे मुझे कुछ मिले आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए या फिर आप लोगों को दिखाने के लिए कि जो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर कुछ दिखाई में आए तो ज़रूर मैं उसका वीडियो बनाऊँगा और आप सबके साथ भी शेयर करूँगा। तो अब भी मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों जो नए हो मेरे इस चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो चलो जिस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो वो ज़रूर एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाना। दोस्तों मेरा थोड़ा बहुत ऐसे जो जो काम मुझे जिस चीज़ को देना था मैंने वो सब काम दे दिया सबको। तो काम देने के बाद मैंने सोचा चलो ये थोड़ा मैं घूम लेता हूँ और आप सबको घुमा के दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है नहीं है वो भी आप सबको भी थोड़ा ऐसे पता चल जाए। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही यहाँ पे आया, तो मुझे यहाँ पे एक बगीचा दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर बगीचा है। और देखिए पूरा पार्किंग एरिया भी है, आके कोई ऐसे घूमने के लिए आए या कुछ करने के लिए आए ऐसे यहाँ पे जो भी चलो दुकानदार वाले हैं सब यहाँ पे पार्किंग करते हैं, तो यहाँ पे पार्किंग एरिया भी इन लोगों के लिए किया गया है। देखो दोस्तों ये शायद दिखाई दे रहा है आप सबको पीछे मेरा, देखो कितना बड़ा पार्किंग एरिया है। यहाँ पे जितने भी चलो दुकानदार वाले हैं सब यहाँ पे आते हैं और गाड़ी पार्किंग करते हैं। तो आगे ये बगीचा है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आगे जाके आप सबको ये बगीचा भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों देखिए पार्किंग कितना अच्छा है कि दोनों तरफ ऐसे पार्किंग किया गया है और बीच में थोड़ा बहुत ऐसा रास्ता रखा है, क्योंकि ऐसे गाड़ी आने जाने में दिक्कत ना हो। देखिए ये आगे जाने के बाद ही जैसे हम लोग डाइने की तरफ घूमेंगे वहाँ पे ही बगीचा है। चलो मैं आप लोगों को बगीचा के अंदर जाके भी थोड़ा बहुत ऐसे दिखा देता हूँ घुमा के कि कितना मस्त बगीचा है। यहाँ पर आप लोग शाम को आओ तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को घूमने के लिए या बैठने के लिए। यहाँ पर ठंडा ठंडा पवन भी चलेगा, बहुत ही अच्छा एरिया है। तो चलिए दोस्तों अंदर जाके फिर आप सबको घुमा फिरा के दिखा देता हूँ कि चलो यहाँ पे बगीचा कितना अच्छा है। अभी चलो दोपहर का टाइम है इसलिए धूप की वजह से ऐसा लग रहा है, लेकिन शाम को आएंगे तो शाम को बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही सुंदर जगह है ये, देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बहुत ही सुंदर जगह ये। देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर नेचर, देखिए व्यू देखिए बहुत ही अच्छा है। ये बहुत ही टाइट है दोस्तों, इसलिए धक्का लगाना पड़ रहा है अंदर जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों मैं ऐसे बैक कैमरा चालू करके आप सबको दिखा देता हूँ घुमा फिरा के। लीजिए दोस्तों यहाँ से बस मैंने एंट्री किया, उसके बाद देखिए मैं चलो आप लोगों को पूरा ये जो एरिया है ना पूरा घुमा के दिखा देता हूँ। चलो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, देखिए
कितनी अच्छी तरह से ये सजाया गया है। बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत ही सुंदर एरिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटा ऐसा एक गार्डन भी किया हुआ है। चलो आप लोगों को मैं बिल्कुल पास से जाके दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा है और कितना सुंदर है ये। देखिए आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आओ तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बैठो या टाइम पास करने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है ये। देखिए देखिए दोस्तों कितना अच्छा ये है। ये देखिए, ये बोलते हैं ना बम्बू, बम्बू का एरिया है, प्लांट है। देखिए ये बिल्कुल छोटा छोटा है, ऐसे तो बहुत बड़ा होता है ये इसका प्लांट, लेकिन ये चलो सजाने के लिए या घर पे रखने के लिए जो होता है ना वो है। बगीचा में ऐसे सौंदर्य आए इसके लिए ये रखा गया है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए ये छोटा सा बगीचा है यहाँ पे क्या गया, बहुत ही सुंदर ये बगीचा है। देखिए दोस्तों कितना मस्त ये बगीचा है। दोस्तों देखिए कि कितना अच्छा बगीचा है, बहुत ही सुंदर बगीचा है। तो मैंने बोला कि चलो आप सबको थोड़ा घुमा फिरा के दिखा दूँ, बहुत ही सुंदर बगीचा है। यहाँ पे आओ, शाम को आओ तो बैठो तो इतनी अच्छी तरह से टाइम निकल जाए ना, आप लोगों को खुद को पता भी नहीं चलेगा। बहुत ही सुंदर एरिया जो है ना, बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए कितना सुंदर है, कितना मस्त एरिया है। देखिए दोस्तों, बच्चे अगर यहाँ पे आए बच्चे के खेलने के लिए, देखो ये लेसन पट्टी भी यहाँ पे है, और ये देखिए ये झूला भी यहाँ पे कितना सारा है, 1 2 3 4 झूला है। चलो सब साथ मिलके, देखो यहाँ पे थोड़ा छोटा सा एक गार्डन जैसा बनाया गया हुआ है, यहाँ पे बच्चे सब खेल भी सकते हैं और अच्छा भी लगेगा बच्चों खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो लेसन पट्टी है, यहाँ पे देखो झूला है, ये सब में बच्चे का भी अच्छे से टाइम कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो और देखिए यहाँ पे ऐसे प्यास भी लगे तो पानी का बंदोबस्त भी किया हुआ है, यहाँ पे ठंडा पानी मिलता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ भी चीज़ का कमी है, हर तरीके का चीज़ है जो सब आप लोगों को चाहिए, वो सब कुछ ही है। ये साबरकांठा इलाके में पड़ता है गुजरात का, और ये हिम्मतनगर एरिया में आता है, तो आप लोग ज़रूर आना। चलो ये ऊपर चढ़ के फिर मैं नीचे उतरता हूँ और आप सबको भी दिखा देता हूँ। दोस्तों फाइनली मैं ऊपर आ रहा हूँ, देखिए आप लोग ऊपर से भी आप सबको मैं दिखा दूंगा कि ऊपर से भी ये नज़ारा कितना अच्छा लगेगा, कितना मस्त दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे आओ ऐसे शाम को भी आओ ना, ऐसे चलने के लिए भी अच्छा लगेगा। और वहाँ पे देखिए मैंने बताया था, यहाँ पे शादी हो रहा है, वहाँ पे एक जगह पे मैंने बताया था ना, तो दूसरी जगह पर भी शादी हो रहा है बिल्कुल बाजू में, वहाँ से शायद बाराती निकल रहा है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बाजे बज रहा है। मैं थोड़ा बहुत आलबों को दिखा देता हूँ, शायद अगर आप लोग को दिखाई दे तो। देखिए दोस्तों ये देखिए इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो चलो दोस्तों मैं आप सबको दिखा देता हूँ ऊपर से कैसा लग रही है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है ये नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये नज़ारा। देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर है कि ऊपर से भी आप लोगों को पता चलेगा, ऊपर से भी आप लोग देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये नज़ारा है। तो आप लोग ज़रूर देखना और ज़रूर आप लोग यहाँ पर आना, यहाँ पे आओ, हिम्मतनगर आओ तो यहाँ पे एक बार आके यहाँ पे घूम के जाना, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। दोस्तों देखिए अभी कितना ज़्यादा धूप था, अभी ऐसे देखिए मौसम का हालत देखिए थोड़ा सा छाव जैसा हो गया है। दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना कि चलो ये गार्डन देख के या फिर मेरा ये ब्लॉग देख के आप लोग ऐसा लगा, ज़रूर बताना और कॉमेंट और ज़रूर करना आप लोग, एक लाइक तो ज़रूर करके जाना और कॉमेंट भी ज़रूर करना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरा ये चैनल के साथ, ये मेरा ये ब्लॉग चैनल देख के आप लोग कैसा लग रहा है ज़रूर बताना आप लोग ज़रूर। तो चलिए दोस्तों यहाँ से जितना जल्दी होगा फटाफट निकल दूँगे, कि देखिए गर्मी कितना ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी कुछ टाइम पहले छाव जैसा महसूस हो रहा था, अभी फिर से ऐसे गर्मी चालू हो गया, धूप बहुत चालू ज़्यादा ज़ोर से चालू हो गया। तो चलो दोस्तों फटाफट यहाँ से निकलते हैं। दोस्तों गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, तो गर्मी के कारण मैंने सोचा चलो यहाँ पर जितनी बार आता हूँ तो मैं बदम से ज़रूर पी के जाता हूँ, तो मैंने बोला चलो इतना गर्मी है तो एक बदम से पहले पी लेता हूँ, तो उसके बाद सब से मिलता हूँ। देखिए दोस्तों ये मेरा बदम से रेडी हो रहा है, बदम से थोड़ा आइसक्रीम भी डाल दिया। दोस्तों आप लोग भी जरूर आना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बदम से बहुत ही अच्छा बनाता है। देखिए दोस्तों अभी मेरा बदाम शेक बन के रेडी हो चुका है। दोस्तों देखिए कितना मस्त लग रहा है इसका कलर, देखिए कलर कॉम्बिनेशन देखिए बहुत ही अच्छा, टेस्टिंग भी बहुत ही अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत और दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। देखिए ऊपर से ऐसे बादाम भी, ऐसे टूटी फूटी भी, ऐसे आइसक्रीम भी, सब कुछ ही इसके अंदर है।
देखो बादाम शेक बहुत ज़्यादा टेस्ट फूड है, बहुत ही अच्छा बना है। चलो पहले बादाम शेक अच्छे से पी लेता हूँ, गर्मी से गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो बादाम शेक बहुत ही अच्छा लगेगा, पर बिल्कुल ठंडा बिल्कुल कूल कूल है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल है। तो चलो दोस्तों पहले ये पी लेता हूँ, फिर अब सबसे फिर से मिलता हूँ। दोस्तों फाइनली मैंने आइसक्रीम मेरा हो गया, आइसक्रीम खाना, तो मैंने आइसक्रीम खाने के बाद मैंने बोला चलो जो मेरा काम है वो फटाफट ले लेता हूँ फिर। और यहाँ पे शायद और अब लोगों को शायद दिखा नहीं मांगी कि ऐसे टाइम भी बहुत हो गया, ऐसे लेट भी काफ़ी हो चुका हूँ, वहाँ पे भी ऐसे बार बार फोन आ रहा है क्योंकि काम वहाँ पे भी है मेरा। तो यहाँ से जितना जल्दी होगा फटाफट निकलता हूँ, फिर वहाँ पर जाके अब सबसे ज़रूर मिलता हूँ। और मैं यहाँ पे जहाँ पे आइसक्रीम खाने के लिए गया था ना, आइसक्रीम की दुकान का नाम है बॉम्बे चौपाटी बोल के है हिम्मतनगर में, वहाँ पर एक बार आप ज़रूर आना और एक बार बादाम शेक ज़रूर पी के जाना क्योंकि बादाम शेक बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही बढ़िया बनाता है। तो आना आप लोग ज़रूर और वहाँ से एक बार बादाम शेक पी के जाना। ये जो बॉम्बे चौपाटी आइसक्रीम है ना, ये कौन सी इलाके में पड़ता है, लाइब्रेरी पड़ता है ना वहाँ पे, उसके पास ही पड़ता है। तो ज़रूर आना और यहाँ से बादाम शेक एक बार ज़रूर पी के जाना कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल मिलेगा आप लोगों को। और आप लोगों को पैसा खर्च कर रहे हो तो इसका मतलब वही है कि चलो कुछ अच्छा मिले खाने के लिए। तो ज़रूर आना और यहाँ से खाना और मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी कैसा लग रहा। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, तो यहां से बस घर के लिए थोड़ा बहुत ऐसे नाश्ता लेना है, तो नाश्ता लेके फिर घर चलता हूं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करता हूं। जय हिंद जय भारत।